चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो अभी देखेंगे एग्जांपल नंबर 11 जो कि बेसिकली बेस्ड है एलिमिनेशन मेथड पर। तो ये क्वेश्चन बोलता है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2,000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे पूछे जाते हैं। तो लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ द टू पर्सन बाई 9x एंड 7x, क्योंकि इनकी जो इनकम्स है वो 9:7 में है। तो एक को हम 9x कह सकते हैं और दूसरे को 7x कह सकते हैं, और जो उनके एक्सपेंडिचर हैं उनको हम लोग एक को 4y और एक को 3y कह सकते हैं। अब जो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तभी तो बचत निकलेगी। तो ये इनकम हो गई पहले वाली की 9x और एक्सपेंडिचर हो गया 4y, और इतना ₹2,000 उसकी सेविंग हो गई। इसी तरह सेकंड वाले की इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, दो इक्वेशन बन गई। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में हम लोग आप जानते ही हैं एक्स या वाई में से किसी एक के कोफिशियंट सेम करते हैं जिससे कि हम कैंसिल आउट कर पाएँ उसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वाई के सेम करने का क्या है इन्होंने, तो पहली वाली इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी वाली को 4 से। अब पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6,000, और दूसरी वाली को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आ गया 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8,000। अभी y कोफिशिएंट हो गए सेम, दोनों को एक दूसरे से घटा दिया। जब घटा देंगे माइनस कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2,000, यानी एक्स बराबर 2,000 आ गया। देख पा रहे हैं आप, तो एक्स की वैल्यू विकास जी कितनी आ गई 2,000। अब आगे एक्स हो गई 2,000। अब इस 2,000 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो किन्हीं भी इक्वेशंस में, तो उठा के मान लीजिए यहाँ पे सब्सटीट्यूट पहले वाले में सब्सटीट्यूट कर दी 2,000, तो ये हो गया कितना 18,000। 18,000 गया तो बचा 2,000, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 4,000। ठीक, तो ये हो गया 2,000 4,000। अब हमने x की वैल्यू निकलाई 2,000 और y 4,000, तो therefore द मंथली इनकम्स ऑफ द persons आर ₹18,000, क्योंकि पहले वाले की 9x थी ना, एंड 14,000। इसी तरीके से वेरिफिकेशन क्या है, वैल्यू रखो और देख लो घटा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई परेशानी लगती नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा एकदम आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं, प्रैक्टिस चाहिए। रोहित अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 12। ये एग्जांपल नंबर 12 है, क्या बोलता है कस के रीड आउट करो रोहित इधर बोर्ड से कस के एकदम। Use elimination method to find all possible solution of the following pair of linear equations. 2x plus 3y is equal to 8 and 4x plus 6y is equal to 7. जी, तो एग्जाम्पल नंबर 12 जैसे इन्होंने रीड आउट किया कि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमें कोफिशिएंट सेम करना है। तो उठा के पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, और दूसरा वाला है 4x प्लस 6y 14 है 7। बेटा ये कैसे आ गया, तो पैरेलल कहाँ है, पैरेलल है नहीं, तो ये इसमें जैसे ही घटाने हम जाएंगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ पर सिचुएशंस क्या हो गई कि बोथ लाइंस आर पैरेलल, यानी नो सॉल्यूशन, इनके कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है।
हमेशा जब लीनियर इक्वेशन में लाइनें आए तो चेक कर लेना कहीं पैरेलल तो नहीं लगे हुए और सॉल्व ही ना हो रही हो। अगली बात करते हैं, देखिए एग्जांपल है द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर। एलजेब्रा में जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे हमें लिखना हो 21, तो 21 को हम लिख सकते हैं, ये यूनिट प्लेस है ना पहली वाली, और ये टेंस वाली प्लेस है, तो इसको ऐसे भी समझा सकता है 2 × 10 + 1 × 1 दैट इज 21। तो अगर कहीं पर लिखा हो x, y तो इसको एलजेब्रा में लिखते हैं हम लोग 10x + 1 × y यानी y, ठीक है। तो एक नंबर है xy यानी 10x + y, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड देयर नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब रिवर्स कर दोगे तो y x हो जाएगा, यानी 10y + x। इसका सम 66 है, इसका सम, तो सम कितना हो गया 10x + y + x + y = 66, यानी 11x + y = 66, यानी x + y = 6। तो एक तो रिलेशन ये आया साहब। दूसरा क्या बोलता है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2, यानी x और y में हम अगर ये मान लें x बड़ा है तो x - y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। अब x + y = 6 है और x - y = 2 है, दोनों को सम कर दो, ये कट गया तो आ गया 2x = 8, तो x = 4। अब इसको कहीं सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो 4 - y = 2, तो y = 4 - 2 = 2, तो y हो गया 2 और x हो गया 4, तो x क्या लिखा था 4 और y कितना है 2, तो आंसर आ गया 42। अब इसमें डिफर बोला था, तो डिफर में x आपने बड़ा लिया है ना, ऐसा हो सकता है कि y बड़ा हो, तो यहाँ पे तो आपने x - y = 2 क्यों कहा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y ले लिया। अब मान लो y इज ग्रेटर देन x होता तो आप क्या लिख देते, y - x = 2, और फिर ये वैल्यू आती है x + y = 6, अब ऐड करते तो y कितना जाता 4, आता नहीं आता, फिर x आता 2, तो ये नंबर 24 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ आया y 4, इस y 4 को किसी में पुट कर दो तो 4 - x = 2, तो x = 2, तो एक और केस बन गया देखो, क्योंकि डिफरेंस बोला था इसमें, तो नंबर आंसर्स क्या हो सकते हैं इसके 42 या 24, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, टू सच नंबर्स आर देयर। ये एग्जाम्पल नंबर 13 है आपका, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप।